अभी हमारा ट्रेन चल गई शैशा तो। ये है कोपर गांव स्टेशन, तो यहाँ पे हम लोग उतरे हैं। पहले शिरडी के एरिया में ये पहले जॉब करते थे बैंक में, तो यहाँ पे बहुत सारे क्लाइंट वगैरह बहुत दोस्त लोग हैं। तो रात 3:30 बजे एक जन आए थे हम लोग को लेने के लिए, वो उनके फ्रेंड थे। तो इतना रात में वो आए हम लोग को कोपर गांव से शिरडी रिसीव करने के लिए, तो बहुत खुश लगा। और ये देखिए गोदावरी रिवर, रात में कैसे दिख रहा है पता नहीं चल रहा है, लेकिन ये है गोदावरी रिवर। और यहाँ पे पूरा जब बहुत ज़्यादा बारिश वगैरह होता है पानी भी हो जाता है। देखिए अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं, जस्ट पहुँच भी गए हैं, लेकिन बारिश हो रही है। शायद बाबा जी के पास हम लोग आके बारिश भी हो गया, और बारिश जैसे हम लोग को वेलकम करने के लिए ही था, तो कुछ ऐसा ही है। तो अभी हम लोग पहुँच गए, साईशा मेरी गोदी में थोड़ा सा भी लेट गई है, और ये गेस्ट हाउस गए हैं पेपर देने के लिए। ये हमारा बैंक के तरफ से ये गेस्ट हाउस टाई अप है, तो इसके चलते। तो यहाँ पे देख सकते हैं बारिश भी हो रहा है। हेलो, हाय, नमस्ते, जय जगन्नाथ, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जय दीपा महापात्र। और आप सभी अभी देख चुके हैं, माँ बेटी रेडी हो चुके हैं कहीं जाने के लिए। मैं आपको मेरा थंबनेल में तो पता चल ही गया होगा हम लोग अभी कहाँ हैं। और चलिए अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ। हम 4 बजे कोपर गाँव में उतरे थे, तो वहाँ से आगे बारिश तो हो रहा था। तो अभी हम लोग, मैं पूरा आके पूरा सो गई थी, क्योंकि मेरा कुछ दिन से तबीयत बहुत ख़राब चल रहा है, तो इसलिए ब्लॉग भी नहीं डाल पा रही हूँ, कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। तो और तो इसीलिए थोड़ा सा अच्छा लगा, तो अच्छा कंडीशन रहा, सब कुछ ठीक रहा। तो बाबा जी के पास कैसे नहीं आती, 3 महीना पहले टिकट हो चुका था दुर्गा पूजा में जाने के लिए, तो सोची बाबा जी के पास जाती हूँ तो जो होगा देखा जाएगा। तो उसी हिसाब से हम लोग आए हैं, नहीं तो मेरा आना पॉसिबल था या नहीं था मुझे भी पता नहीं, लेकिन बाबा जी का बुलाया आया तो हम लोग आराम से आए। तो चलिए मैं अभी जा रही हूँ मंदिर, आरती हो चुका है, जो दोपहर में जो आरती होता है ना वहाँ पे बाबा जी के पास हो चुका है, भीड़ लग जाएगा, तो इसलिए मैं सोची आरती के बाद जाऊँगी। पूरा आके पूरा हम लोग सब सो गए थे, अभी सो के उठ के हम लोग रेडी हो चुके हैं जाने के लिए। तो सोची आपको अपडेट दे देती हूँ, मैं आने के बाद आपको मैं हम लोग कहाँ रुके हैं क्या मैं आपको बताऊँगी। जब आई, बारिश हो रहा था, भीग गए थे थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का, तो हम लोग तुरंत आ गए सोने के लिए, तो ड्रेस चेंज करके तुरंत सो गए थे। और शाइशा को देखिए मस्त ऐसा रेडी हो गया, ये शाइशा का गेटअप है और पूरा रूम वगैरह फैला हुआ है। और ये मैं ड्रेस पहनी हूँ मेरा एनिवर्सरी में, ये जो डुगू के मम्मी है ऊपर में रहते हैं वो, उनके साथ मेरा बहुत अच्छा बनी है ये ड्रेस मुझे एनिवर्सरी में गिफ्ट किए थे, तो ये नया ड्रेस है। तो सोची मैं आज ही साईं बाबा के पास ही पहन के जाती हूँ दर्शन करने के लिए। तो और अभी मोबाइल तो अलाउ नहीं है, तो अभी हम लोग चलते हैं, मैं दर्शन करके आके मैं आपको सब कुछ घुमाऊँगी। बाहर का मंदिर में तो अलाउ नहीं है, तो यहाँ पर बज रहा है। और आज सबको मेरे तरफ से हैप्पी दुर्गा पूजा, हैप्पी नवरात्रि। शाइशा बोल दो हैप्पी नवरात्रि, हैप्पी दुर्गा पूजा, हैप्पी नवरात्रि। हम बाबा जी के पास आए हैं। कौन सा बाबा जी, कहाँ पे आए हो शाइशा? हमारे नाम पे है ना, इसलिए साईं बाबा के पास आए हैं। तो चलिए, तो हम लोग जल्दी जल्दी दर्शन करके आ जाते हैं, उसके बाद फिर ब्लॉग कंटिन्यू करके। बाय। फाइनली अभी हम लोग दर्शन करके आ गए हैं, और मैं थोड़ा सा यहाँ पे बैठ गई हूँ, आपको वेलकम ना करूँ। इसके अंदर से हमारा गेस्ट हाउस है, और ये हमारा देखिए साईं बालाजी गेस्ट हाउस, ये हमारा बैंक के तरफ से, साईशा के पापा के बैंक के तरफ से टाई अप है। यहाँ पे पूरा हम लोग जहाँ पे रह रहे हैं पूरा मंदिर के पास ही रह रहे हैं, और एक गेस्ट हाउस है बड़ा सा, लेकिन वो मंदिर से बहुत दूर है, तो इसलिए हम लोग ये वाला गेस्ट हाउस में रुके हैं। मैं आपको पूरा गेस्ट हाउस दिखाऊंगी, तो मैं अभी कुछ कुछ आपको दिखा रही हूँ, फिर कल आपको अच्छे से दिखाऊंगी। बारिश भी हो गया,
हम लोग जब मंदिर दर्शन करने के लिए गए थे रिटर्न के, उस टाइम में बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था, तो इसलिए हम लोग दर्शन करने के बाद फिर वहाँ पे एक जैन का, ओडिया वाला जैन का बिना प्याज लहसुन का होटल मिला। ऐसे भी आज अष्टमी है, ऐसे चावल वगैरह तो नहीं खाएंगे, लेकिन श्री साई पालकी उद्यान ये अभी ये नया बना हुआ है, हम लोग 2 साल हो गया नहीं आए हैं, तो ये अभी नया ये उद्यान बना है, पहले नहीं था। आगे की तरफ जाके दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे सब बादाम, वो बादाम बादाम कौन सा बादाम है? श्री संत संताजी महाराज चौक शिरडी नगर परिषद। ये एक ब्लॉक जाएगा, ये देखिए गेट नंबर 4। मोबाइल अंदर में तो अलाउ नहीं है। और यहाँ पे मैं पिछले बार भी वीडियो कर चुकी हूँ, पहले भी वीडियो कर चुकी हूँ, और ये गेट नंबर 4 रहा। और ये देखिए वहाँ से जब आप आएंगे ना दर्शन करने के बाद, यहाँ पे गार्डन टाइप का है, यहाँ से निकलेंगे, यहाँ पे श्री साई बालाजी टाइप का टेम्पल बना के किए हैं, बहुत ही सुंदर दिखता रहा है। अंदर तो दिखा नहीं सकती, लेकिन बहुत ही ब्यूटीफुल सा बनाया है ये वाला। अंदर में मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ, ये देख सकते हैं आप लोग। यहाँ से आप जब एंट्री करके आएंगे ना, यहाँ पे दिखाई देता है, देखिए जूम कर दिया, श्री बालाजी वहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे देखिए बैरिकेड सब लगा हुआ है, ऐसे भी आप दर्शन करने के लिए भी जा सकते हैं, यहाँ पे पुलिस प्रोटेक्शन बहुत कड़ा है। चलिए मैं आगे आपको दिखाती हूँ उद्यान का, ये गेट नंबर 4 है। चलिए और यहाँ पे देखिए वहाँ पे अनाउंसमेंट सेंटर भी है, और यहाँ पे फ्री का शू स्टैंड भी है। यहाँ पे देखिए फ्री का शू स्टैंड, यहाँ पे देखिए ये आगे का है। वाओ सो ब्यूटीफुल श्री साई पालकी गार्डन वाला देखिए, बहुत ही सुंदर वाला है। ये है साई पालकी उद्यान। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डोनेशन ऑफिस है, और यहाँ पे मेन रोड है, मेन रोड के पास गेट नंबर कुछ 3 ऐसा कुछ है, देखते हैं। देखिए एरो मार्क दिया है, आगे गेट 1, गेट 6, 7, 8 है, और इस साइड गेट नंबर 4 और 2 है। इस साइड से मुख्य दर्शन हनुमान टेम्पल द्वारका माई है, और आगे जाओगे तो गेट नंबर 1, 6, 7, 8 है। इस साइड भी वे टू पेड़ दर्शन भी है, आप लोग पेड़ करके भी दर्शन कर सकते हैं, वो VIP पास से 200 या 300 रुपये ऐसा कुछ है, मुझे याद नहीं आ रहा है, याद नहीं आ रहा है कितना, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, मेन रोड है, यहाँ पे सब अंदर में देखिए, हम लोग तो दिखा नहीं सकते ना, यहाँ पे जाली लगा हुआ है, नहीं तो अंदर में ऐसे आके आप घूम के जा सकते, देखिए फ्लावर गार्डन्स वगैरह। श्री साई बाबा मंदिर एरिया शिरडी, ये यहाँ पे देखिए गेट नंबर 5, वैसे ही आगे आगे जाइएगा तो गेट नंबर 1, 6, 7, 8 आएगा, ये गेट नंबर 5 है। यहाँ पे भी आप देख के रिटर्न करके आ सकते हैं, यहाँ पे भी एग्जिट हो सकता है इस साइड से। वहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ था, यहाँ पे हिंदी में लिखा है श्री साई बाबा समाधि मंदिर परिसर शिरडी।
और ये कौन सा गेट नंबर है? ये गेट नंबर वन, और यहाँ पे ये गेट नंबर वन है। ये देखिए, यहाँ पे भी पेड पास गेट फॉर सीनियर सिटीजन साई डिवोटीज, इस रास्ता से जा सकते हैं, कुछ इस टाइप का है। तो मैं और आगे नहीं जा रही हूँ। ये गेट नंबर वन है, यहाँ पे हर जगह पुलिस है, देख सकते हैं पुलिस प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे गेट नंबर 6 और 7, 8 है आगे, और पेड़ पास एंट्री भी है। मैं और आगे नहीं जा रही हूँ, यहाँ से आपको दिखा दे रही हूँ। यहाँ पे सब देखिए, मोबाइल कैमरा शू स्टैंड पूरा फ्री में सब है इस साइड से, गेट नंबर वन के पास है। तो हम लोग इस साइड आ गए अभी जाने के लिए। कितना लंबा लाइन है जूता का, देखिए शू काउंटर कितना बड़ा है। ये सब मंदिर एरिया है, मंदिर का अंदर का परिसर है ये, तो मंदिर एरिया ना। ये देखिए गेट नंबर 2, यहाँ पे सीनियर सिटीजन लोग जा सकते हैं, यहाँ पे पास पड़ेगा। मैं जब गई थी, हम लोग जब दर्शन करने के लिए गए थे, तो मैं ननंद के साथ गई थी। हैंडीकैप लाइन में एक हैंडीकैप लोगों का अलग सा है, सीनियर सिटीजन लोगों के लिए अलग सा है, ऐसा सब कुछ है। तो ये लोग गए थे सीनियर सिटीजन, और एक जन के साथ एक जन जा सकते हैं, जैसे कि मेरे ननंद के साथ मैं गई, वैसे सीनियर सिटीजन के साथ भी और एक एडल्ट कोई जा सकता है, ऐसा ही है। यहाँ पे देखिए दर्शन द्वार एंट्रेंस है ये गेट नंबर 2 का, सीनियर सिटीजन यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे सब सांस्कृतिक कार्यक्रम, सब फेस्टिवल कब क्या है, सब डेट के हिसाब से कौन सा दिन तिथि वगैरह सब मेंशन किया गया है। पुण्यतिथि फेस्टिवल, और इस साइड सांस्कृतिक कार्यक्रम कीर्तन का सब है, और यहाँ पे क्या है वही फेस्टिवल वगैरह। ये साई कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स है, और यहाँ पे कुछ हो रहा है, प्रोग्राम होगा। श्री साई बाबा समाधि शताब्दी मंडप, श्री साई बाबा पुण्यतिथि उत्सव, यहाँ पे सब लोग बैठ गए हैं, देख सकते हैं कुछ होगा प्रोग्राम वगैरह, यहाँ पे सब बैठे हैं लोग। यहाँ पे यहाँ पे देखिए साई बाबा का लाइव टेलीकास्ट चल रहा है। 2024 में मैं फिर से आपको दर्शन करा रही हूँ लाइव। तो थोड़ा सा यहाँ पे मैं थक गई तो बैठ गई, और ये अनार खा रही हूँ। सीढ़ी में ऐसे ग्लास में अनार बहुत बेचते हैं, और बहुत टेस्टी भी लग रहा है। फाइनली मैं सोची जाऊंगी नहीं जाऊंगी, बाबा जी के पास जाऊंगी नहीं जाऊंगी, फिर मन किया नहीं देखते हैं चलते हैं, बाबा जी के पास तो जा रही हूँ, सीढ़ी जा रही हूँ। और इतना हम लोग मानते हैं साई बाबा को, साई बाबा कुछ खराब होने ही नहीं देंगे, तो ऐसे सोच के मन में साई बाबा को दर्शन करने के लिए आई। और बहुत ही अच्छे से, बहुत ही अच्छे से, भीड़ भी नहीं था,
और लाइन में भी ऐसे तो मैं हैंडीकैप पर्सन लाइन में गई थी तो भीड़ नहीं था, डायरेक्ट पूरा बाबा जहाँ पे उनका मंडप है तो वहीं पे हम लोग डायरेक्ट, हमारा गेट आया तो वहाँ पे डायरेक्ट हम लोग दर्शन कर पाए। और ये लोग सीनियर सिटीजन लाइन में गए तो जस्ट जिस फ्लोर में बाबा जी के टेम्पल है तो उसके नीचे में वो लोग वही गेट से ऊपर आते हैं, उनका भी बहुत पास पड़ता है लेकिन इन लोग का बहुत, जो हैंडीकैप पर्सन है इन लोग का पूरा डायरेक्ट एंट्री रहता है बाबा जी को दर्शन करने के लिए। तो मैं उनके साथ गई थी तो मैं डायरेक्ट दर्शन करके जल्दी आ गई थी, तो कुछ इस टाइप का है। तो चलिए आगे चलते हैं। और यहाँ पे मैं बैठ गई थी और यहाँ पे एक चीज़ आपको दिखाती हूँ, ये जो लंबा लाइन लगा हुआ है ना, यहाँ पे पानी मिलता है, चाय मिलता है, कॉफ़ी मिलता है, दूध मिलता है बच्चे लोगों के लिए। ये लाइन देखिए, यहाँ पे जो लिखा है टी कैंटीन। और पानी बोतल का दाम एक लीटर का कितना, 500, एक लीटर को 10 रुपया। ये वाला पानी बोतल साई जेल ये 10 रुपया करके है। और यहाँ पे जितना मुझे याद है चाय 2 रुपया का है। और बहुत, ये देखिए वो अंकल पी रहे हैं चाय, मैं तो अभी तक अभी यहाँ पे नहीं पी चाय, जब पीऊँगी दिखाऊँगी। लेकिन चाय शायद यहाँ पे लिखा है, हाँ चाय 2 रुपया है, कॉफ़ी 3 मिल्क 3 मिनरल वाटर 1 लीटर को 10 और हाफ लीटर को 5 रुपया। ये वाला है, यहाँ पे बहुत सस्ता मिलता है। और यहाँ पे सब प्रसाद वगैरह मिलता है, ये देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ पे देखिए मैं कच्चा आम ली, नमक और मिर्ची डाल के बहुत ही टेस्टी लग रहा है, मीठा खट्टा लग रहा है। बहुत दिन के बाद फिर मैंगो सीजन का चला तो गया है लेकिन यहाँ पे मिल रहा है कच्चा आम मुझे इस टाइप का। देख एक में मैं अनार पकड़ी हूँ और एक में आम पकड़ी हूँ। और यहाँ पे देखिए मुख दर्शन का लाइन है, यहाँ पे जूता वगैरह रख के इस साइड आप मुख दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। दूर से आप, बैरिकेड तो लगा गया है लेकिन आप दूर से भी साईं बाबा को दर्शन कर सकते हैं जिसका जल्दी है। तो यहाँ इस लाइन में जाके यहाँ पे आप लोग दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पे है मुख दर्शन, देखिए ये देखिए द्वारका माई रास्ता है। और यहाँ पे हनुमान टेम्पल है, यहाँ पे देखिए हनुमान जी का मंदिर। और ये है चावेड़ी, मैं इसको और एक बार अच्छे से आपको घुमाऊंगी, मैं अभी दूर से दिखा रही हूँ। ये है चावेड़ी, हम लोग जो प्रसाद बांटते हैं ना, मैं वीडियो या फोटो छोड़ती हूँ, स्टेटस लगाती हूँ, तो यहाँ पे भोग लग के यहाँ पे बांटते हैं प्रसाद। यहाँ पे चावेड़ी देखिए, और यहाँ पे भी देखिए लाइव टेलीकास्ट चल रहा है। और ये भी देखिए यहाँ पे लाइव टेलीकास्ट चल रहा है यहाँ पे भी। और ये है द्वारका माई, ये देखिए कितना सुंदर से सजाए हैं द्वारका माई, पूरा कितना लाइन लगा हुआ है, यहाँ पे भी अलाव नहीं है अंदर। और यहाँ पे देखिए जगह जगह ही खाली दुकान है, ब्रेसलेट माला साईं बाबा का चढ़ाने के लिए, चादर बैग शूज वगैरह सब कुछ मिलता है, फोटोज वगैरह पर्स प्रसाद, पूरा इस साइड पूरा दुकान है और ये साइड पूरा मंदिर का कैंपस। तो हम लोग अभी इतना ही घूमे, बारिश भी बहुत हो गया आज, तो अभी मैं रूम जा रही हूँ, थोड़ा रेस्ट करूँगी। शाम में इनके फ्रेंड को ही आएंगे, बोले हैं रेस्टोरेंट लेके जाएंगे हम लोग को खाना खिलाने के लिए, पता नहीं हम लोग जाएंगे कि भी नहीं। और
अभी हम लोग रूम जा रहे हैं, साई शाह दादी मम्मी के पास है। भुवनेश्वर से मेरे सास ससुर भी आए हैं और हम लोग कोलकाता से आए हैं, तो ऐसा ही कुछ रहा। हाँ, हम लोग यहाँ पे 3 दिन रुकेंगे, आज रुकेंगे, कल रुकेंगे, संडे हमारा शाम में ट्रेन है, कुछ इस टाइप का है। तो बारिश हो गया ना, पूरा रास्ता पूरा पानी पानी हो गया है। तो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइएगा। रहती हूँ, नमस्ते, जय जगन्नाथ, हैप्पी दुर्गा पूजा, ओम साई राम, बाय। आपको दिखाती हूँ हम लोग कहाँ रुके हैं। ये है साई वाला जी गेस्ट हाउस और यहाँ पे भी एक शॉप है, हम लोग कुछ कुछ यहाँ से खरीदते रहते हैं हमेशा। और यहाँ पे है अंदर हम लोग, यहाँ पे उनका ये है, ज़्यादा रूम नहीं है, 4 रूम है। तो अभी ऊपर जा रही हूँ, यहाँ पे हम लोग रुके हैं 1 नंबर रूम में। ये इनका ऑफिस के साथ टाई ऑफ है और एक था, यहाँ से दूर है थोड़ा सा, व्हीकल से आना जाना पड़ेगा यहाँ पे। यहाँ पे हम लोग का रुकने का कारण है पूरा मंदिर के पास, रात 9, 10, 11 बजे भी हम लोग घूम सकते हैं, आराम से आ सकते हैं। नीचे उतरेंगे तो चाय खाना पीना सब कुछ मिल जाता है, तो हमेशा इसलिए ये छोटा रूम है। आपको पहले ही बता देते हैं छोटा रूम है, लेकिन सब कुछ है, एसी वगैरह, टीवी, फैन, सब कुछ है, जितना ज़रूरत है रहने के लिए वो सब कुछ है। तो पास में क्यों नहीं रहेंगे, तो दूर क्यों नहीं क्यों रहेंगे, ये सोच के हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं। तो चलिए मैं आपको रूम दिखाती हूँ, मेरा रूम तो ऐसे पूरा ऐसी होकर पड़ा है, लेकिन मैं आपको खाली रूम थोड़ा सा दिखा देती हूँ कैसा क्या है रूम। चलिए मेरे साथ वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो ये है हमारा रूम, तो मैसी पड़ा है, थोड़ा ऐसे ही दिखा देती हूँ। यहाँ पर टॉयलेट है और यहाँ पर मैं अभी ला के रख दी पॉट्स और ये, और ये रहा बेड, और यहाँ पे एक है दे दिए हैं, अगर कोई एक पर्सन ज़्यादा हो गए तो नीचे बिठा के भी सो सकते हैं। और यहाँ पे मिरर, और यहाँ पे देख सकते हैं टीवी वगैरह दिए हैं, छोटा सा चल नहीं रहा है घड़ी, लेकिन घड़ी है। और यहाँ पे एसी है, फैन वगैरह सब कुछ है, और सबसे मेन है, और ये रहा देखिए जो दिखाई दे रहा है ग्रे कलर का बिल्डिंग, वो मंदिर है। और यहाँ से हमेशा वहाँ से प्रार्थना वगैरह सुनाई देता है, ये आप लोग देख सकते हैं। मैं विंडो और नहीं खोल रही हूँ, ऐसे ही दूर से दिखा रही हूँ, कुछ इस टाइप का हमारा विंडो व्यू है, पूरा प्रार्थना वगैरह सुनाई देता है। तो ये रहा हमारा रूम, और यहाँ पे बड़ा सा विंडो का जो स्पेस है, वहाँ पे हम लोग छोटा मोटा बैग वगैरह कॉस्मेटिक्स में सब यहाँ पे रख दी हूँ। पूरा रूम वगैरह मैसी पड़ा है, यहाँ पे एक छोटा सा टेबल दिया है, तो यहाँ पे मैं ट्रॉली रख दी हूँ, कुछ ये रहा। और ये डबल बेड रहा, ब्लैंकेट ऐसे पड़ा है, और यहाँ पे तो ड्रेसिंग मिरर है। तो कैसा लगा रूम, छोटा सा है लेकिन सब कुछ है। आज के लिए इतना ही, रहती हूँ, नमस्ते, बाय।